हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम हमारा अष्टाह दशाह पाठा यानी चैप्टर 11 कंटिन्यू करेंगे। कौन सा चैप्टर 11? अष्टाह दशाह पाठा। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? दूरदर्शनम। दूरदर्शनम यानी टेलीविज़न। ओके, क्या नाम है? टेलीविज़न, दूरदर्शनम, जिसे हम टीवी बोलते हैं। ओके, एतत्य विज्ञानस्य युगम। एतत्य यानी यह, विज्ञानस्य विज्ञान का, युगम युग, यह विज्ञान का युग है। विज्ञानस्य अनेके आविष्कारः सन्ति, विज्ञान ने बहुत सारे अनेक आविष्कार किए हैं। दूरदर्शनस्य आविष्कारः मनोरंजन क्षेत्रे आश्चर्यजनकः च महत्वपूर्णः अस्ति। दूरदर्शन का आविष्कार मनोरंजन के क्षेत्र में आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण है। दूरदर्शन जनाः न केवलम कार्यक्रमम आकर्ण्यन्ति परम कथकस्य चित्राणि अपि पश्यन्ति च। दूरदर्शन के माध्यम से लोग न केवल कार्यक्रमों को सुन सकते हैं बल्कि उसे चित्रों के साथ देख भी सकते हैं। दूरदर्शनम मनोरंजनस्य साधनम वर्तते, दूरदर्शन मनोरंजन का साधन है। दूरदर्शनम शिक्षायाः साधनम अपि अस्ति, जो दूरदर्शन है वह शिक्षा का साधन भी है। दूरदर्शनेन क्रीडायाः समाचाराणां देश विदेशानां स्थितितनां ज्ञानं भवति। दूरदर्शन के माध्यम से हम खेलों के समाचार, देश विदेशों में स्थित ज्ञान के समाचार, देश विदेश के समाचार से अज्ञानित होते हैं, मतलब जानकारी मिलती है। दूरदर्शन ही अनेके विज्ञापनानि ही अपि दृश्यन्ते, दूरदर्शन में हम अनेक प्रकार के विज्ञापनों को देखते हैं। उपग्रहण क्रीडायाः प्रत्यक्ष प्रसारणम दृश्यन्ते, उपग्रहों से संबंधित प्रसारण हम सामने प्रत्यक्ष देख सकते हैं। संगीत नृत्य चलचित्र नाटक भक्ति संगीत दयाताम प्रसारणम दूरदर्शनेन भवति। संगीत यानी गाना सुनना, नृत्य डांस, चलचित्र यानी पिक्चर, नाटक भक्ति संगीत का प्रसारण दूरदर्शन में होता है। यानी दूरदर्शन में किन चीज़ों का प्रसारण होता है? संगीत यानी डांस का, नृत्य का, चलचित्र का, नाटक का, भक्ति संगीत का प्रसारण दूरदर्शन में होता है। अस्माकं देशे दूरदर्शनस्य प्रसारणं वर्धे, हमारे देश में दूरदर्शन का प्रसारण बहुत ज़्यादा विख्यात है। दूरदर्शनेन गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवसयो प्रत्यक्ष प्रसारणं भवति, दूरदर्शन के माध्यम से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का प्रत्यक्ष प्रसारण होता है। वयम गृहे स्थित्वा एतेषां कार्यक्रमाणां पश्यामः, अपने अपने घरों में बैठकर हम इन कार्यक्रमों को देख सकते हैं। अध रविवारः अस्ति, अध यानी आज रविवार है। वयम चलचित्र दृश्यामः, है ना, मैं चलचित्र देखूंगा। हम सभी, दूरदर्शनम एकम श्रेष्ठम यंत्रम अस्ति, दूरदर्शन एक श्रेष्ठ यंत्र है। नित्यम नूतनम नाटकम गीतम नृत्यम च दर्शति दूरदर्शनम। नित्यम यानी रोज हम नए नाटक गीतों को सुनते हैं और डांस को देखते हैं दूरदर्शन के माध्यम से। ओके स्टूडेंट्स, हम अब वन बाय वन इसको एक बार फिर से समझेंगे। एतत्य की मीनिंग होती है यह, विज्ञानस्य की विज्ञान की, युगम यानी युग, विज्ञानस्य विज्ञान के, अनेके यानी बहुत सारे, आविष्कार यानी आविष्कार, संति यानी होते हैं। ओके, आविष्कार यानी आविष्कार करना, मनोरंजन यानी इंटरटेन करना, टाइम पास करना हमारा, क्षेत्र यानी क्षेत्र, आश्चर्यजनक यानी सरप्राइज बेटा, महत्वपूर्णम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कार्यक्रमम यानी कार्यक्रम जो होते हैं, पश्यन्ति की मीनिंग होती है देखना, साधनम यानी साधन, शिक्षायाः शिक्षा, अपि यानी भी, क्रीडायाः समाचाराणाम खेल समाचार, ज्ञानम ज्ञान, दृश्यन्ति यानी देखना, प्रत्यक्ष प्रसारणम यानी सीधा प्रसारण, संगीतः दयाताम प्रसारणम संगीत का प्रसारण। ओके,
पश्यामः यानी देखना अद की मीनिंग होती है आज, रविवार रविवार को बोला गया यानी संडे को, वयम हम सभी, दूरदर्शनम यानी टेलीविज़न, एकम यानी एक, श्रेष्ठम यानी महत्वपूर्ण, यंत्रम यानी यंत्र, अस्ति है, नित्यम यानी प्रतिदिन डेली को बोला गया है, नूतनम यानी नया, नाटकम नाटक, दर्शति यानी देखना, दूरदर्शनम यानी टेलीविज़न। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन को रीड किया और इसको एक्सप्लेन भी किया, इस चैप्टर को समझा। ओके अब हमने इसकी वन बाय वन टफ मीनिंग भी देखी और मैंने उसकी मीनिंग के आपको उस टफ वर्ड की मैंने आपको मीनिंग भी बताई। आप पेज नंबर 62 ओपन करेंगे, वन बाय वन जो शब्दार्थ दिए हैं हम इनको देखेंगे। ओके आग करणयंती यानी सुनते हैं, हियर विज्ञापनानी यानी प्रचार एडवर्टाइजमेंट, उपग्रहण यानी उपग्रह से। ओके प्रत्यक्ष प्रसारणम सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट, यंत्रम यानी मशीन को बोला गया है, किसको बोला गया यंत्रम मशीन को, नूतनम यानी नए। ओके स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बेटा हमने दूरदर्शनम यानी चैप्टर को पढ़ा, दूरदर्शन जिनसे हम सभी ज्ञात हैं। ओके दूरदर्शन में दूरदर्शन एक मनोरंजन का एक ऐसा साधन है जिसको ना तो हम सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि देख सकते हैं। आप रेडियो के थ्रू कार्यक्रम को सुन सकते हो लेकिन आप देख नहीं सकते, लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से हम इन चीज़ों को सुनने के साथ साथ उसको सामने देख भी सकते हैं। दूरदर्शन एक ऐसा टीवी चैनल है जिसमें गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का प्रत्यक्ष प्रसारण जो दिल्ली में होता है उसे हम लाइव टेलीकास्ट लाइव देख सकते हैं, यानी ऐसा लगेगा कि हम अपने सामने ही देख रहे हैं, वो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही है जिन्हें हम टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा, इसको रीडिंग किया, इसको एक्सप्लेन किया और इसकी जो इस वर्ड इस चैप्टर के वर्ड की जो टफ डिफ़िकल्ट वर्ड है उसकी मीनिंग भी वन बाय वन करके मैंने आपको बता दी और उसकी वर्ड मीनिंग भी मैंने एक बार आपको क्लियर कर दी। जो शब्दार्थ था बुक की जो मीनिंग बुक में जो वर्ड मीनिंग दे रखी थी वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी। बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स या संस्कृत अनुवाद या जो भी अदर वर्क है उसको कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही बेटा, जो भी मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट्स आप उसे ध्यान से सुनिएगा। ओके स्टूडेंट्स और इसके बाद इसकी पिक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स एंड गुड डे बेटा।